हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ऑनलाइन EVS क्लास। आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल स्टडी अबाउट फूड चेन। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ प्रीवियस क्लास। इन प्रीवियस क्लास वी लर्नड अबाउट ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, देयरफॉर We should not cut them। मतलब हमने पढ़ा था कि ट्रीज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनसे हमें फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑक्सीजन सारी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमें कट नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दीज ट्रीज देयर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ देयर वर्शिप इन डिफरेंट रीजन्स। मतलब प्लांट्स को बचाने के लिए ट्रेडिशन है हमारे कल्चर में कि हम प्लांट्स की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि आंवला नवमी पे हम आंवला ट्री की पूजा करते हैं, बड़मावस पे बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, बरगद मीन्स बेनियन ट्री, और पीपल ट्री की करते हैं। तो हम बड़े बड़े ट्रीज़ की पूजा करते हैं, और डेली में हम देखते हैं घरों में कि तुलसी ट्री की डेली पूजा करते हैं, जबकि वो छोटा सा प्लांट है और तुलसी हमारे लिए बहुत हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती है ना। तो हम प्लांट्स को बचाने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए उनकी वर्शिप करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़ी थी, अमृता देवी सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ टू सेव द खेजरी ट्री। खेजरी ट्रीज को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस किया था, बलिदान किया था। बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए सभी लोगों ने स्टार्ट किया चिपको मूवमेंट। और एनिमल्स और प्लांट्स को बचाने के लिए कुछ पार्क और सेंचुरीज भी बनाए जाते हैं। सेंचुरीज जहाँ पे एनिमल्स को, प्लांट्स को रिजर्व कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे उनको कोई हार्म नहीं पहुँचा सकता। तो कुछ सेंचुरीज जो राजस्थान में हैं, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क जिसको टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, वो सवाई माधोपुर में है। कैलाइडो नेशनल पार्क, घना बर्ड सेंचुरी भरतपुर में, यहाँ पे बर्ड्स मिलती हैं देखने के लिए। और सेंचुरी जो होती है वहाँ पे एनिमल्स को केज में नहीं रखा जाता, एनिमल्स खुले में रहते हैं, लेकिन बाउंड्री होती है सब तरफ, बाउंड्री के बाहर वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनको केज में नहीं रखा जाता। और फिर जैसलमेर बाड़मेर में नेशनल डेजर्ट पार्क है, और अलवर में सरिस्का नेशनल पार्क है। तो सेंचुरीज और पार्क्स में भी एनिमल्स को रिजर्व करके, यानी कि उनको नुकसान ना पहुंचे, वहाँ पर रखा जाता है, सेंचुरीज बनाई जाती है। नाउ टुडेज टॉपिक इज फूड चेन। एंड व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड इज नोन एज फूड चेन। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स का एक दूसरे से जो रिलेशन है, जो एक दूसरे की दोनों को ज़रूरत है, वो चीज़ हो जाती है फूड चेन। जैसे हमें पता है कि बहुत सारे प्लांट्स को कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ हो गई, गोट हो गई, बफेलो हो गई, डियर हो गए, ये सब प्लांट्स को खाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स को, इन एनिमल्स को जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, उन एनिमल्स को कार्निवोर्स एनिमल्स खाते हैं। कार्निवोर्स एनिमल्स मतलब लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब। तो ये जो चेन होती है कि प्लांट्स हुए, फिर प्लांट्स को प्लांट ईटर्स ने खाया, फिर एनिमल ईटर्स ने प्लांट ईटर एनिमल्स को खाया, तो ये इस चीज़ को हम बोलते हैं फूड चेन। नाउ फ्रॉम द चैप्टर, गौरी हु फीड्स द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। गौरी ने पूछा, फीड मतलब कौन खिलाता है। तो गौरी ने पूछा कि जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उनको कौन खाना खिलाता है। मदर टोल्ड हर दैट द
herbivorous animals in the jungle get their food from plants and trees, and the carnivorous animals feed upon other animals, smaller animals. Now, what are herbivores? Herbivores are animals which eats plants. Herbivores वो animals होते हैं जो plants को खाते हैं, और carnivores वो animals होते हैं जो herbivores animals को खाते हैं, मतलब plant eating animals को खाते हैं. तो मदर ने बताया कि herbivores animals जो जंगल में रहते हैं वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं, पेड़ों से लेते हैं, और carnivores animals जो होते हैं वो उन छोटे एनिमल्स पे जिन्होंने प्लांट्स को खाया डिपेंड होते हैं. हियर इज अ फूड चेन, दिस इज प्लांट रेडिश, और ये यहाँ पे रैबिट है, फॉक्स है, लायन है. अब देखिए ये प्लांट है कैरेट, इसको है ना ये खा लेता है रैबिट, तो इसका फूड हो गया. फिर इस रैबिट को ये फॉक्स खा लेती है, तो इसका फूड हो गया. अब ये जो फॉक्स है इसको ये लायन खा लेता है. तो ये इस तरीके का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फूड चेन, कि प्लांट इसका फूड हो गया, ये इसका फूड हो गया, ये इसका फूड हो गया, दिस इज फूड चेन. नाउ लिस्ट द नेम ऑफ एनिमल दैट ईट द फूड मेंशन द टेबल. इसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पे ये जो फूड लिखा हुआ है ये कौन सा एनिमल खाता है. अब प्लांट्स में सारे हर्बीवोर्स खाते हैं. हर्बीवोर्स का मतलब होता है वो एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, मतलब जैसे काउ, गोट, डियर, ये सब. अब डियर को कौन खाता है? लायन. हैन को कौन खा जाता है? कैट खा जाती है, डॉग खा लेता है. सीड्स को कौन खाता है? बर्ड्स. रेट को? कैट. तो ये एक चेन है कि इसका फूड ये है, तो इस टेबल में आपको ये मेंशन करना है, तो आप इसको बुक में फिल करिए. नाउ वन मोर एग्जांपल ऑफ फूड चेन इज, देखिए ये ग्रास है, ये ग्रास हॉपर, ये फ्रॉग, ये स्नेक, ये ईगल. तो ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने, स्नेक ने फ्रॉग को, और इस बर्ड ने स्नेक को. तो इस तरीके से ये एक दूसरे का फूड होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फूड चेन. नाउ डेफिनेशन ऑफ फूड चेन, द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड इज नोन एज फूड चेन. तो प्लांट्स और एनिमल्स के बेस पर, प्लांट्स और एनिमल्स जो फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं उसको हम फूड चेन बोलते हैं. थिंक एंड आंसर द राइट द आंसर. व्हाट डज अ पैरेट ईट? आपको पता है पैरेट क्या खाता है? चिली को खाता है. काउ क्या खाती है? ग्रास. स्क्वेरल नट. तो दैट्स ऑल.